एक बहन के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि आज वो अपने भाई का इंटरव्यू लेगी। जी हाँ, मेरे बड़े भैया मयंक मिश्रा ने यूपीएससी में ऑल इंडिया 228वीं रैंक हासिल की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उनकी इस उपलब्धि से मैं, मेरा पूरा परिवार और ज़िला गौरवान्वित हुआ है। आज मुझे वो सौभाग्य मिला कि एक पत्रकार होने के नाते मैं उनका इंटरव्यू लूँ। तो आप भी सुनिए कैसा रहा यूपीएससी क्लियर करने का पूरा सफ़र और क्या है उनका सक्सेस मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एंड हिंदी, मैं अंकिता मिश्रा। यूपीएससी ने 2021 का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है, तो इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक मिश्रा, जिनकी यूपीएससी 228वीं रैंक है। मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एंड हिंदी पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ इतनी अच्छी रैंक से। तो जो आपका जो सफर रहा है, मतलब कैसे शुरुआत की आपने जेएनयू से पढ़ाई की, उसके बाद जेएनयू तक का जो सफर रहा है, कैसे कैसे तय हुआ आपका सफर? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच गुड इंट्रोडक्शन। सफर तो अच्छा रहा, जो नवोदय की चीजें थी उन्होंने काफी हेल्प करी, और जो शुरुआती जिनको फाउंडेशन कहते हैं वो उस प्रकार की फाउंडेशन वहां पे मिली, और बाकी चीजें उसके प्रकार से होती रही। आगे चाहे नवोदय की बात करें या जेएनयू की बात करें, तो दोनों में सीखने को काफी कुछ मिला, डाइवर्सिटी मिली, कई प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला, और फाइनली जो ये एग्जाम है वो कुल मिला के आपके नॉलेज, स्किल, मेंटल टफनेस और पर्सनालिटी, इन सारी चीजों को देख परख के आपको उस प्रकार की रैंक मिलती है, तो ओवरऑल इन सब चीजों का काफी प्रभाव रहा। तो आप, जैसे कि हमने जो जानकारी इकट्ठा किया, पता चला है कि आप डीएसपी की ट्रेनिंग चल रही है आपकी, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, तो जो ट्रेनिंग थी और जो प्रिपरेशन थी, कैसे आपने उसको बैलेंस किया? ट्रेनिंग का और दोनों का कंपार्टमेंटलाइजेशन सही तरीके से रहा, कि जहां तक ट्रेनिंग हो रही है उसमें एक रूटीन होता है, आप रूटीन फॉलो करें, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम जो मिलता है उस टाइम को आप अपने पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करें, और जैसे स्पेशली आपका प्रीलिम्स है तो आप 15-20 दिन उस हिसाब से थोड़ा इंटेंसिव स्टडी कीजिए, मेंस है तो एक महीने 45 दिन आप इंटेंसिव स्टडी कीजिए। तो कुल मिला के यही मोटा मोटा एम था और चीजें कुछ हद तक सही रही। जानकारी ये भी मिली कि आपने दुबई में जॉब की, उसके बाद फिर आपने जॉब को क्विट किया, तो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए ये? क्योंकि बहुत बड़ा आपका लाखों का पैकेज था, आपने जॉब को क्विट किया, फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत ही मेंटली सबसे बड़ी बात है कि प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, तो कैसे वो मेंटेन किया आपने? हमेशा से सिविल सर्विसेज का प्लान पहले से भी था, जब मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की सिविल, तो उसके बाद ये था कि थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लिया जाए, क्योंकि इसका दो मोटिव था, एक कि आप अपने फील्ड से रूबरू हो जाएंगे सही तरीके से जान पाएंगे, दूसरा ये रहेगा कि थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास आ जाएगी, तो आप अपने डिसीजन ले सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि प्रिपरेशन में भी अपॉर्चुनिटी कास्ट काफी ज्यादा होती है, तो ये था, और एक्सपीरियंस का भी इतना फायदा रहा, कई लोगों से मिलने का मौका मिला, ओवरऑल पॉजिटिव ही था जो एक्सपीरियंस था। आपने दूसरे अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्लियर किया हुआ है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि फैमिली को काफी उम्मीदें होती हैं कि इस बार तो हो ही जाएगा, पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ था, आपने मेंस दिया, इंटरव्यू में आपका क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार कितना कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो हो ही जाएगा, क्या होप थी ओवरऑल? अब श्योरिटी तो कभी नहीं रहती है कि आपका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, लेकिन हाँ मोटी मोटी ये रहती है कि आपको एक थोड़ा बहुत अंदाजा रहता है कि आप पिछली बार से आप इस बार थोड़ा इम्प्रूव कर पाए, और कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो जस्ट कभी कभी आपको संतोष करना पड़ता है, कहीं कहीं नंबर आपके नहीं आते हैं अच्छे, आपको लगता है आपने परफॉर्मेंस की है, स्पेशली इंटरव्यूज में ऐसा लगता है, तो ये होता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है और मूव ऑन करना। हमने जितनी जानकारी इकट्ठा की है उसके हिसाब से जून में आपका आईएफएस का भी इंटरव्यू है, तो यूपी पीसीएस से लेकर आईपीएस तक और आईएफएस पे नजर है आपकी, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मोस्टली सिविल सर्विसेज में जो भी आप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सारी आपको काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब्स हैं, और कहीं ना कहीं आपके स्किल डेवलपमेंट में काम करने में
और अपने आप के सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए काफी डिफरेंट वैरायटी देती हैं। और इन्हीं कड़ी में एक जो फॉरेस्ट सर्विसेज है वो भी देखा जाए तो काफी प्रेस्टीजियस जॉब है। आपको सिंगिंग और पोएट्री लिखने का भी बहुत शौक है, तो एक तरह से देखा जाए तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो मतलब कभी आपके दिमाग में ऐसा आया कि इस फील्ड में भी ट्राई किया जाए? ये दोनों हॉबीज हैं तो हॉबीज को मैं एज अ हॉबी देखता हूँ, क्योंकि इस हॉबी का सिंपल मतलब होता है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करती हैं, और कहीं कई बार लाइफ का बहुत ही कभी कभी बहुत ही सिंपलिस्टिकली देखें और ज्यादा जिसको बोलते हैं कि जीवन को बहुत ही आसानी से देखें, बहुत ही इस प्रकार की जो उसकी चैलेंजेस हैं उसकी जो गंभीरता है उसको हटा के जो उसकी सरलता है, तो उस प्रकार से देखता हूँ दोनों को, और कहीं ना कहीं वो मुझे मानसिक रूप से काफी संतुलित करती है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखती है लाइफ को देखने। तो ऐसा कब लगा आपको कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ का? टर्निंग पॉइंट तो दो तीन प्रकार के रहे, पहला तो जो कंप्लीट जो सोशल बैकग्राउंड है जहाँ से बिलोंग करता हूँ उसका एक अपना एक इन्फ्लुएंस रहा, दूसरा इन्फ्लुएंस नवोदय का जाता है कि जहाँ पे जिस प्रकार का परिवेश मिला हो जाता है उसका, और तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा बोलूंगा कि इवन जब मैं जॉब कर रहा था उस समय भी मुझे काफी पहले से भी था कि सिविल सर्विसेज जो है वो डिफरेंट वैरायटी प्रोवाइड करेगा आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज देता है वहाँ पे आया। मयंक, एक अंतिम सवाल ये है कि आप उन स्टूडेंट्स को क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं? उनके लिए यही है कि आप अपनी अपने आप से ट्रूथफुल रहें, ऑनेस्ट रहें, क्रिटिकली एनालाइज करें अपने आप को, देन पहला तो यही है खुद के लिए, दूसरा लाइफ को लेकर थोड़ा सिंपल रहें, ज्यादा क्लैरिटी आएगी इससे आपको, और जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है बी प्रैक्टिकल, दिस एग्जामिनेशन देयर आर मेनी हर्डल्स, देयर इज अ ग्रेटर से ऑफ लक एज वेल, सो कभी कभी बी हम्बल इन योर प्रिपरेशन, यही चीजें रहें, मतलब अच्छे से प्लान करें, स्ट्रेटेजाइज करें, इन सब के बावजूद भी थोड़ा बहुत अगर नहीं भी होता है तो आप लगेंगे सफल। मयंक, थैंक यू सो मच आप अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम हमारे लिए निकालने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। थैंक यू।